स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज हम शाही खीर बनाएंगे लीची के साथ। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मैंने एक बर्तन में आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और गैस को ऑन करके उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। ये मैंने 8 लीची ली है, उसका छिलका निकाल दिया है और बीच में से इसका मैंने बीज निकाल लिया है। ये इस तरीके की लीची हमें तैयार करनी है। इसकी फिलिंग के लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें 1 चम्मच हम कटा हुआ बादाम डालेंगे। बादाम को मैंने भिगोकर छीलकर काट लिया है। 1 चम्मच हम काजू लेंगे, 1 चम्मच हम किशमिश लेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे, आप ना डालना चाहें तो रहने दीजिए। 1 छोटा चम्मच इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इन सबको हम मिला लेंगे। अब हम एक लीची लेंगे और इसमें ये हम फिलिंग भर देंगे। ये एक लीची हमने तैयार कर लिया है, ऐसे ही हम अपने और लीची को तैयार कर लेंगे। अब लीची के ऊपर हम चांदी का वर्क लगाएंगे। ये लीची हमारे तैयार हो गए हैं, इनको हम फ्रिज में रख देंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें 1 कप चावल डालेंगे। ये मैंने उबला हुआ चावल लिया है, इसको पहले से उबाल कर रख लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अभी और गाढ़ा करेंगे और पकने देंगे कम गैस पे। खीर गाढ़ी हो गई है, गैस को हम ऑफ करेंगे और इसको हम गैस से उतार लेंगे। अब चावल को हम मैश कर लेंगे इस तरीके से। चावल को हमने मैश कर लिया है, इसमें 1/4 कप में कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। इसको हम मिलाएंगे। आप ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच आप चीनी भी डाल सकते हैं। 1/2 कप हम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे। ये मेरे पास काजू, किशमिश और बादाम है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच रोज एसेंस डालेंगे। 4 इलायची के दाने हम इसमें डालेंगे और इन सबको हम मिला देंगे। इसको हमें ठंडा सर्व करना है। सर्व करने से पहले इसे हम फ्रिज में रखेंगे। अब इसको हम सर्विंग बोल में डालेंगे खीर को। अब इसके ऊपर थोड़ा सा केसर हम फैला देंगे, इसको मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। ये लीची को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, अब इसके ऊपर हम लीची रखेंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी शाही खीर विद लीची बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जल्दी से बनाइए और ठंडा ठंडा सर्विंग करना है।